लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। स्मार्टफोन खरीदने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक कीजिए। Xiaomi भारत के अंदर जितनी विविधता और विभिन्नता है शायद ही किसी देश में मिले। यहाँ पर हर 100 किलोमीटर के अंदर कुछ अलग ही कल्चर देखने के लिए मिल जाता है। इतने सारे स्टेट से इतने सारे खूबसूरती देखने के लिए मिलता है। जी चाहता है दिल थाम कर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जी लूं। वैसे ही विभिन्नता को देखते हुए Xiaomi हमेशा भारत के लिए एक कुछ ना कुछ नया स्मार्टफोन लाता ही रहता है। जो भारत के अंदर जितने सारे विभिन्नता है उन सब लोगों को ये स्मार्टफोन पसंद आ जाए। खैर, इस स्मार्टफोन में सबसे पहले नंबर आता है Redmi Note सीरीज, जो रिसेंटली Redmi Note 11 लॉन्च हो गया है। अभी से ही इसके लीक्स और रूमर्स निकलकर सामने आना शुरू हो चुका है। स्मार्टफोन के अंदर आप लोग क्या सबसे ज्यादा देखते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पर मैं आप लोगों की चॉइस बता दूं तो सबसे पहले आप लोग चूज करोगे कि कैमरा क्वालिटी कितना ज्यादा है। ये स्मार्टफोन के बारे में अगर बात कर ले तो 150 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा सेंसर ये स्मार्टफोन के अंदर होने वाला है और बाकी दो कैमरास होंगे जो 18+8 मेगापिक्सल की होगी। आप लोग कभी सोचा है 108 मेगापिक्सल कैमरा ही इतना जबरदस्त इमेजेस ला कर देता है? अगर 150 मेगापिक्सल वो भी Redmi Note 12 Pro Ultra Max के अंदर दे जाए तो कितनी कमाल की हो सकती है। शायद DSLR ही कह ले तो गलत नहीं होगा। खैर, कैमरा क्वालिटी के बारे में आपकी क्या राय है चैट सेक्शन में बता सकते हो। 44 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी स्नैपर दी जाएगी और एक वेरिएंट के अंदर 48 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर दी जाएगी, जो कहा जा रहा है दुनिया की पहली 48 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर हो सकती है। बैटरी परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त होगा क्योंकि 5500 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस दी जाएगी और इसको चार्ज करने के लिए 67W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जाएगी। लगभग ये स्मार्टफोन 1.5 से 2 दिन तक आराम से चल सकता है सिर्फ और नॉर्मल यूसेज के हिसाब से। अगर आप हैवी यूजर हो तो शायद एक ही दिन आ सकता है। आजकल भारत के अंदर बच्चा बच्चा गेमिंग करना चाहता है, लाइक पबजी ले लीजिए, BGMI या फिर फ्री फायर, उनके लिए स्मार्टफोन के अंदर HD गेमिंग परफॉर्मेंस Qualcomm की स्नैपड्रैगन की तरफ से एक नया प्रोसेसर दी जाने वाली है, जो 5G वेरिएंट तो होगा ही और जबरदस्त गेमिंग भी स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और डिस्प्ले 144Hz की रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। ये स्मार्टफोन की स्क्रीन आएगी और 6.9 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले स्मार्टफोन में होगा ही। और सबसे मेन फीचर की बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बार ये स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमको Redmi Note 11 और Redmi Note 10 के अंदर नहीं मिला था। काफी सारे RAM वेरिएंट्स और काफी सारे कलर वेरिएंट्स मिल जाएंगे, पर RAM वेरिएंट की बात करें तो 6GB 8GB दो वेरिएंट के साथ मेनली स्मार्टफोन आ सकता है। 6GB RAM के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB RAM के ऊपर 256GB इंटरनल स्टोरेज। Redmi Note 12 सीरीज के बारे में क्या आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं चैट सेक्शन में बता सकते हो। ओवरऑल स्मार्टफोन की अगर बात करें तो एक बड़ा सा धमाका स्मार्टफोन के अंदर दिया जा रहा है। 3.5mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट, जो भी सेंसर होना चाहिए सब कुछ स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद।